अजीम सूफी शायर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शायरी को तसव्वुफ की दुनिया में वो मकाम हासिल है जहां लफ्ज़ों की अदायगी दिल के बहुत करीब महसूस होती है। यूं लगता है उनके लिखे हुए अशार हर दिल की तर्जमानी कर रहे हों। अजीम सूफी शायर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह 1830 ईस्वी में खड़ी शरीफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह गुज्जर घराने के सपूत थे। आपकी ज़ात में मौजूद इज्जो इंकसारी एक लम्हे के लिए आपका गुज्जर होने की नफ़ी करती नज़र आती है, लेकिन जब इंसान अपनी मैं को रज़ाए इलाही के इश्क में गर्क कर देता है तो फिर वहाँ से दर्द दिल रखने वाले मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग जन्म लेते हैं। आपके ख़ानदान में रूहानी सिलसिले का आगाज़ आपके परदादा से शुरू हुआ। आपके परदादा मशहूर हस्ती पैरेशा गाजी के खलीफा और सजादा नशीन थे। फिर उनके बाद आपके दादा और वालिद भी उसी दरबार के सजादा नशीन रहे। आपने इब्तदाई तलीम समवाल शरीफ के मदरसा में हाफिज़ मोहम्मद अली से हासिल की। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह को सूफियाना शायरी से लगाव था। आप कायनात के छुपे राज जानना चाहते थे। इसी शौक़ के हुसूल के लिए आप सफ़र करते जन्नत नज़ीर वादी नारान से झील सैफुल मलूक गए और वहीं अपनी शोहरा आफाक दास्तान सैफुल मलूक का किस्सा लिखा। आपने मशहूर ज़माना किताब सैफुल मलूक 33 साल की उम्र में मुकम्मल की। इसके अलावा आपकी तसनीफ़ात में तोहफ़त व रसूलिया, हदायतुल मुस्लिमीन, गुलजार फ़कर और तस्करा मुकीमिया नुमाया हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 1880 में पैरे शाह गाजी के सजादा नशीन बने। सजादा नशीन बनने के बाद 27 साल मखलूक खुदा में इल्म व हिकमत की रोशनी फैलाते रहे। लोगों को अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दर्स देते रहे। आखिरकार 31 जनवरी 1907 को अपने खाल के हकीकी से जा मिले। आपको खड़ी शरीफ ही में दरबार के अहाता में सपुर्दे खाक किया गया। ते सुख देनेदर आवे हो
درد منانو یاد سجن دی اتے ستیاں جگا وے ہو درد منانو یاد سجن دی اتے ستیاں جگا وے تے جو کسے دا ہویا عاشقی ہوے اتے او بہانے کرے کے اتیوں دے مرنے مردہ سو سو مکرے بہانے کرے کے اتیوں دے مرنے مردہ